हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रियलमी के C53 डिवाइस के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक आने लगे गाइस, क्या अपने फ़ोन में गाइस साइड से बैक कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। अगर गाइस आप अपने फ़ोन में बैक बटन, मेन्यू बटन एंड गाइस अगर होम बटन का यूज़ कर रहे हैं, देन गाइस आप अपने फ़ोन में साइड से बैक बटन यूज़ करना चाहते हैं, साइड से मेन्यू बटन, यानी गाइस आप साइड से सारी बटन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले गाइस आप अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करेंगे, देन आपको गाइस चले जाना सिस्टम में। एंड नीचे में आपको देखिए गेस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन गाइस आपको चले जाना 3 बटन नेविगेशन में, सिस्टम नेविगेशन में आप इस पर क्लिक करेंगे। देन गाइस आपको यहाँ पे देखिए 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, एक आपको गेस्टर नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे गेस्टर नेविगेशन पे क्लिक कर लेना है। अब गाइस आपके यहाँ से जो 3 बटन थी वो हट जाएगी। देन आप इस प्रकार से देखिए यहाँ पे बैक करेंगे, इस प्रकार से जो मेन्यू, इस प्रकार से आपके जो रिसेंट बार है वो आ जाएगा गाइस, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो सिंपली गाइस आप इस प्रकार से अपने फ़ोन में बिना बटन के भी जो है बैक बटन, मेन्यू बटन, होम बटन यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लेआउट मिल जाता है, आपको कैसे उसको यूज़ करना है, कितनी आपको अपने बैक बटन की जो है ब्राइटनेस, इंसेंसिटिविटी लेफ्ट राइट में आपको रखना है तो वो कर सकते हैं। अगर गाइस आपको यहाँ पे जो है असिस्टेंट को अगर ऑन करना है, वॉइस असिस्टेंट को, तो गाइस आप उसको भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आप इस प्रकार से अपने फ़ोन में गेस्टर नेविगेशन यानी कि 3 बटन साइड बैक नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक बाय बाय।